हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप बात कर रहे थे जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, पुष्पीय पौधे हैं, उनकी आकारिकी के बारे में। इसमें हमने अभी तक समझा था फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी, हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। यहाँ पर हमने देखा था प्लांट के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हमने बात की थी, और हमने कहा था जो जिम्नोस्पर्म होता है वो सबसे लास्ट और सबसे एडवांस्ड ग्रुप हमने देखा था, जिसमें आपने कहा फ्लावर पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। इनकी हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ने आकारिकी के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल जितने भी फीचर्स आपके होते हैं, सारे फीचर्स को आप एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स से क्या मतलब है, आपने कहा आप देखेंगे जो आपको दिखाई दे रहे, जितने भी आपके विजिबल पार्ट्स हैं, जैसे कि आप रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, फ्लावर के बारे में, सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सारे ही कैरेक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं, उनके ओरिजिन से ले करके उनका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उनका नेचर देखते हैं, डेवलपिंग जो प्रोसीजर होता है वो सारी चीजें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं, कितने प्रकार के हमारे पास क्या आते हैं, पार्ट्स आते हैं। अभी तक हमने समझा है चीजों को, जिसमें हमने जाना है इंट्रोडक्शन में, जिसमें आपने कहा मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी में हमने कहा क्या क्या चीजें हम डिस्कस करते हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा था। आपने कहा किसी भी, अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी हम नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर हम एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो मॉर्फोलॉजी के अगर कंबाइंड डेफिनेशन कहें तो हम कहेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, उनकी जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, उनका साइज कैसा है। जैसे कि साइज के बारे में हम बात करें, अभी आप प्लांट मॉर्फोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो उसी का एग्जांपल हम लेके चलेंगे। हमने ये एग्जांपल कल भी लिया था। हम देखते हैं यहाँ पर, आपने कहा कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर जो आपकी क्या होती है, पिस्टिल होती है। पिस्टिल वाला जो पोर्शन होता है इस प्रकार से, पिस्टिल में भी आपको इसकी जो लोकेशन है, अगर आप इसकी लोकेशन को देखेंगे, पिस्टिल की जो लोकेशन होती है, लोकेशन यानी कि आप देखते हैं किसी में जो पिस्टिल है वो लार्ज है, किसी में स्मॉल है, किसी में बंच में होती है, किसी में क्या है, सिंगल आपको मिल रही है। इसी प्रकार से आप पेटल्स में देखते हैं और सेपल्स में भी देखते हैं कि यहाँ पर जो पेटल्स का नंबर कितना है, या सारी पेटल्स एक जैसी होती है। जैसे कि जब आप फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो सारी पेटल्स एक जैसी नहीं होती है, मतलब यहाँ पर होता क्या है, पेटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, या सैपल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, या जो स्टेमेन होते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेमेन हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेमेन है, अलग अलग स्टेमेन, अलग अलग नंबर आपको अलग अलग फ्लावर में देखने को मिलते हैं। जब हम फ्लावर को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें नंबर ऑफ स्टेमेन यानी कि जो पुंकेसरों की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है। क्लियर है? इसके अलावा हमने कहा कलर, हम कलर को देखते हैं। अब कलर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं पेटल्स के बारे में। जो पेटल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो अलग अलग हो सकता है, फॉर्म्स हम देखते हैं। इसी प्रकार से आप अलग अलग कैरेक्टर्स को जब स्टडी करते हैं तो उसे हम कह रहे हैं कि आप मॉर्फोलॉजी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बाद हमने कहा था मॉर्फोलॉजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। आपने कहा आपको अगर किसी भी चीज के बारे में डीप नॉलेज चाहिए, आपको किसी भी प्लांट को अच्छे से स्टडी करना है, उसके कैरेक्टर को आपको समझना है, तो आप कहते हैं यहाँ पर कि उसके कैरेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसकी मॉर्फोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, इसके हमने दो तीन यहाँ पर क्या देखे थे, रीजन देखे थे। या तो आपको कोई बेनिफिट चाहिए, तो बेनिफिट आप कम्प्लीटली तभी ले सकते हैं जब आपको अच्छे से पता होगा उसके कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट है तो उससे आपको बचना है। तो अगर आपको अच्छे से पता है, उसके कैरेक्टर्स आपको पता है, तो तभी आप हार्मफुल इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपने अगर किसी प्लांट में डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी को अगर पता करना है तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि जो पौधा वो सूख गया है, या पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई हैं, या पौधे पे व्हाइट व्हाइट कोई चीज आपको दिखाई दे रही है, पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि या तो डेफिशिएंसी है या टॉक्सिसिटी है। अब आप इन कैरेक्टर्स को तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आपको क्या पता होगा, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी पता होगी। ठीक है, आपने कोई चेंज देखा किसी भी प्लांट में तो आप उसे तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे जब आपको नॉलेज होगा कि अगर कोई चेंज हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल को पता करने के लिए आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। यही सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी, जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंस देखे थे, किसके यहाँ पे मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के हमने इंपॉर्टेंस देखे थे। चलिए तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी को। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे
सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हम देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पर रूट्स के बारे में। इससे पहले हमने कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी, जैसे कि आपने कहा था मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म, लॉजिक लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स की जो स्टडी होती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा था कि यहाँ पर आप क्या करते हैं, डिफरेंट फीचर्स को देखते हैं और जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में उनकी पोजिशन के बारे में आप बात करते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म को आप फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आपको ग्रेट वैरायटी देखने को मिलती है, बहुत अच्छी वैरायटी आपको देखने को मिलती है। आप देखते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आप देखिए आपने अभी तक काफी सारे अलग अलग प्रकार के पौधे देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे जिनमें अलग अलग प्रकार के फूल लगते हैं, और अभी तक आपने बहुत कम ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स को देखा होगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्या आते हैं, वैरायटी आती है, इसलिए कहा गया है एंजियोस्पर्म में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। आपने कहा आपको यहाँ पर बहुत माइन्यूट से प्लांट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि वॉल्फिया। ठीक है, आपने कहा कि यहाँ पर आपको बहुत छोटे से प्लांट से लेकर के आपको बहुत बड़े प्लांट भी देखने को मिलते हैं, और आपको यहाँ पर बहुत लार्ज साइज के प्लांट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही हमने बात की थी। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है किसी भी प्लांट का, वो होगा सबसे पहले आपकी जो रूट होती है, आपकी यानी कि प्लांट की जो रूट होती है। रूट के जो बेसिक से फीचर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने पढ़ा था कि जो रूट होती है वो जो मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन होता है वो आपकी क्या कहलाती है, रूट कहलाती है। अगर मैं बेसिक से फीचर्स कहूँ या फिर बेसिक से फंक्शन कहूँ रूट के, तो आप क्या क्या कहेंगे? आपने कहा रूट यानी कि जड़, इसके कैरेक्टर या फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा कि जो मिट्टी के नीचे वाला पोर्शन होता है, मिट्टी से नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्या फंक्शन होता है इसका? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। किसका? वाटर यानी कि जल और मिनरल्स का। सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये कहलाता है। दूसरा आपने कहा स्टेबिलिटी कहता है, स्थिरता देता है किसे, प्लांट को। आपने कहा प्लांट को क्या देगा, स्थिरता देगा, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा आपने कहा इसमें प्लांट के इस भाग में, अब आपने कहा कि हम बात करते हैं जब हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो हमने कहा मेनली प्लांट की पत्ती में पाया जा रहा था, लीफ में पाया जा रहा था, लेकिन कभी कभी स्टेम में भी पाया जा सकता है अगर स्टेम कैसा है, यहाँ पे सॉफ्ट है। और अगर हम बात करें स्पेशली हर्ब्स के बारे में तो हमने कहा कि यहाँ पे जो स्टेम होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन रूट में कंप्लीटली जो हरित लवक है या जो क्लोरोफिल है वो क्या है, यहाँ पे अनुपस्थित है या फिर एब्सेंट है। अगर मैं कहूँ इनकी ग्रोथ कैसे होती है, तो आपने कहा इनकी जो ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। अब जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म के बारे में भी हमने बात की थी जब आप 9th-10th में थे। ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, और आपने कहा ये कैसा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब इस बात का मतलब आप समझते हैं क्योंकि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। अभी तक हम चैप्टर के अंदर अच्छे से क्या है, हमने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि हम बेसिक सी चीजें अभी तक हम देख रहे हैं। आपने कहा यह आप जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, अवशोषण में मदद करता है, स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी देता है, हरित लवक नहीं पाए जाते, ये आप समझते हैं। अब हमने कहा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब है कि जो जड़ की जो ग्रोथ होती है, जो जड़ की जो वहां पे वृद्धि होती है वो नीचे की ओर होती है, यानी कि जो यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यानी उसी की ओर होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। ठीक है, हमने कहा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सूर्य है, जो सन है, उसके अगेंस्ट क्या हो रही है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। आपने पढ़ा था, आपने कहा था ऊपर की ओर जो ग्रोथ होगी यानी कि सूर्य की ओर जो ग्रोथ होगी उसे आप पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, नीचे की ओर जो ग्रोथ होगी उसे आप पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर किसी में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म पाया जा रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, अगर किसी में पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म पाया जा रहा है तो उसमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, अगर नीचे की ओर ग्रोथ हो रही है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जो जियोट्रॉपिज्म है यानी कि जो वृद्धि हो रही है वो नीचे की ओर हो रही है। ठीक है, नीचे की ओर हो रही है तो सन के अगेंस्ट है, सन के अगेंस्ट है तो आपने कहा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा।
तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप पढ़ते थे मेन रूट होती है एक, जिसे आप प्राइमरी रूट कहते हैं, उससे ब्रांचेस निकलती हैं जिसे आप सेकेंडरी टर्शरी रूट कहते हैं, और उनपे क्या लगे होते हैं, रूट लगे होते हैं। और हमने कहा यह है रूट, ठीक है, ये होती है रूट कैप, ठीक है। रूट कैप क्या होती है, जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होगा रूट का, वो किसी चीज से क्या होता है, कवर होता है, जिसे आप रूट कैप कहते हैं। रूट कैप का क्या फंक्शन होगा, एक बार के लिए आप सोचेंगे कि रूट कैप का फंक्शन क्या हो सकता है। अब देखिए, यहां पर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक जोन तो आपका ये आ गया है, ऐसे बाउंड्री नहीं होती है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं बाउंड्री बना रही हूँ। एक जोन तो आपका ये हो गया है, इसके बाद एक जोन आपका ये आता है, ठीक है, तो हम बाउंड्री से दिखा देते हैं। एक जोन आपका ये आएगा, यहां पर आपके क्या पाए जाएंगे, रूट हेयर आ जाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, जड़ रोम कहते हैं। प्रकार से ये क्या आ जाते हैं, रूट हेयर आ जाते हैं। आपकी जो मतलब प्लांट की जो रूट होती है, उसके क्या होते हैं, आपके पास तीन पार्ट आते हैं। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक जोन, जैसे कि आपको इस इमेज में दिखा रखा है, इसे आप कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक जोन। सेकेंड जो आपका आता है वो आता है जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन। थर्ड जोन आपका जो आता है वो आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। जब आप क्लास नाइन्थ में थे तब आपने पढ़ा था एक चैप्टर टिश्यू, टिश्यू में आपने पढ़े थे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू आपके पास दो प्रकार के आए थे, मेरिस्टमैटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो आपके होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमने कहा था बेसिक्स ऑफ फंक्शन इन तीनों का सेम होता है, जिसमें ये क्या होते हैं, ग्रोथ यानी कि वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेरिस्टमैटिक टिश्यू का नाम होता है विभाजोतक ऊतक, तो इनका जो फीचर है वो ये है कि ये डिवाइड करती रहती है, जो सेल्स हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होती रहती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, सबसे नीचे वाले जोन में पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक या रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक जोन, जिसे आप क्या कहते हैं, यहाँ पर इसे लिखते हैं। क्लियर है, तो आपका जो रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक जोन है, मेरिस्टमैटिक जोन में क्या पाए जाएंगे, मेरिस्टमैटिक सेल्स पाए जाएंगे। मेरिस्टमैटिक सेल्स का फंक्शन होगा यहाँ पर डिवाइड करना, इनका जो कार्य होता है यहाँ पर विभाजन करना। विभाजन में होता क्या है, सिंपल सी, एक जो सेल है वो दो सेल, दो जो सेल है वो चार सेल, चार जो सेल है वो आठ सेल में डिवाइड होती रहती है। अब आपके पास एक चैप्टर आता है सेल डिविजन, सेल इतनी इजीली डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। आप एक सेल को डिवाइड होने के लिए वैसे तो 24 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन 24 घंटे में से 23 घंटे उस सेल के डिवीजन के लिए उसमें जो प्रिपरेशन चाहिए होते हैं उसी में लग जाते हैं। एक घंटा जो होता है वो मेन वहां पर क्या होगा, डिवीजन होगा, जिसमें आप देखते हैं कि अलग अलग फेज वहां पर आते हैं, जैसे कि G1 फेज आता है, S फेज आता है, G2 फेज आता है, इस प्रकार के फेजेस वहां पर आते हैं। इन फेजेस में होता है क्या है, जो भी मटेरियल सेल के अंदर होगा उसका जो अमाउंट है वो डबल होने लगता है, अमाउंट डबल होगा तब जाके आपकी जो सेल है वो डिवाइड होती है।
वरना आप सोचिए कि जैसे हम एक रोटी के क्या करते हैं, टुकड़े करते हैं, हम रोटी का विभाजन ही वहां पर कर रहे हैं। एक रोटी जब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो वो एक विभाजन होता है, जैसे कि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन रोटी के साथ होता है क्या है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप अब रोटी को और ज्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और ऐसा करते करते जो रोटी उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसके पार्ट करने पे लगे हुए। स्मॉलेस्ट पार्ट अब आपके पास आ गया है, उससे छोटा पार्ट आपके पास आ ही नहीं सकता है। उस रोटी के उस पार्टिकल से अब और आपके पास पार्ट नहीं आएंगे, इसका मतलब उस रोटी से और ज्यादा भाग आप नहीं बना सकते। लेकिन सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। जो सेल होती है आपकी, अगर ऐसा ही होता तो आप देखते कि ये जो सेल है, इससे बनने वाली जो सेल है, इन्हें कैसे होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, क्योंकि इस सेल से दो सेल बनी हुई है। फिर आपने कहा ये जो चार सेल है ये और ज्यादा छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं सेल जैसे जैसे मेच्योर होती है वो अपने उसी रूप में उसी आकार में आ जाती है जिसमें उसकी पेरेंट सेल थी। पेरेंट सेल को आप जानते हैं, जनक सेल आप कहते हैं, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो कुछ वर्ड्स को आप लोग को समझना पड़ेगा। पेरेंट मतलब होता है जो किसी भी नई चीज के उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अब आप सेल की बात कीजिए, आप मनुष्य की बात कीजिए, आप पादप की बात कीजिए, हम सबको पेरेंट कहते हैं। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को भी पेरेंट्स कहते हैं, तो क्योंकि इन सेल्स का जो उद्भव हुआ है वो इससे हुआ है, तो इसे हम पेरेंट्स कहेंगे। ये यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डॉटर सेल हम मोस्टली कहते हैं। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं डॉटर सेल यहाँ पर आपके पास आ गई। तो डॉटर सेल जो होती है वो पेरेंट सेल के बराबर ही होती है। ऐसा कैसे संभव हो सका, क्योंकि ये सेल डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेगी, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो पहले डबल होगा। अब क्या क्या मटेरियल डबल होगा, आपने कहा सारा ही मटेरियल, सेल ऑर्गेनिज्म वहां पे डबल होंगी, प्रोटीन जो है उसका अमाउंट डबल होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है उसका अमाउंट वहां पे डबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डबल होती है, तब जाके यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन हुआ तो आपने कहा एक सेल से आपके पास चार सेल आ गई है। इसी प्रकार से जो सेल है वो एड होती रहती है। तो यहाँ पर आपने कहा इस वाले जोन में जो सेल एड होती जा रही है उसका क्या रिजल्ट आपके पास आया है, उसका रिजल्ट आपके पास आया है कि जो रूट है, रूट में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो आपने कहा कि जोन ऑफ इलोंगेशन उसके बाद आपके पास आता है। जैसे जैसे मेरिस्टमैटिक जो सेल्स हैं वो थोड़ा मेच्योर होती रहती हैं, तो ये क्या बनाती है, जोन ऑफ इलोंगेशन बनाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा रीजन कौन होगा, इनमें से सबसे बड़ा रीजन, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से वृद्धि के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका आंसर होगा जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन होता है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेरिस्टमैटिक रीजन है वहां से तो क्या है, डिवीजन होता चला जा रहा है, और ये जो सेल है ये ऊपर की ओर क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। तो आपने कहा ये वाला जो पोर्शन होता है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब उससे पहले हम बात करें रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रूट कैप के बारे में। ठीक है, ये आपकी क्या है, रूट कैप है। जैसे आपकी पेन की कैप होती है वैसे आप समझ लीजिए रूट कैप है। रूट कैप का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि आपने कहा कि ये जो पोर्शन होगा ये सॉफ्ट होगा। जैसे कि आप शूट को देखते हैं, तने को देखते हैं, तने का अपर मोस्ट पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा वो बहुत सॉफ्ट होता है, कभी कभी हम उसे तोड़ते हैं, उसे तोड़ने में थोड़ा सा मजा आता है क्योंकि वो बहुत ईजिली क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर जो रूट है, आपने कहा जो रूट टिप है, इसे रूट टिप कहते हैं। रूट टिप क्या अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है, क्योंकि जो यहाँ पे जड़ है उसे मिट्टी के अंदर की ओर बढ़ना है, तो वहां पर जो आपकी रूट है वो डैमेज ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, रूट कैप पाई जाती है। ठीक है, रीजन आपको समझ आ गया है। अब आते हैं यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, जिसमें आपने कहा कि आपके क्या पाए जाएंगे, यहाँ पर टिश्यू आते हैं, आपके यहाँ पे टिश्यू आ जाते हैं, और इससे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, परमानेंट टिश्यू यहाँ पर आ जाते हैं। क्योंकि टिश्यू आ रहे हैं, टिश्यू आपके क्या परमानेंट टिश्यू है, कौन से टिश्यू की बात हो रही है, आपने कहा जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। ठीक है, ये क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होते हैं। आपने कहा जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपके क्या आ जाएंगे, परमानेंट सेल्स आ जाएंगे यहाँ पर, यानी कि स्थायी कोशिकाएं यहाँ पर आ जाती हैं। आपने कहा रूट हेयर यहाँ पे आ जाएंगे, रूट अगर हेयर अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो आपने कहा एक्सचेंज होगा चीजों का, जैसे कि वाटर हो गया है, मिनरल्स हो गया है, इन सारी चीजों का क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगी चीजें। क्लियर है इतनी बातें, तो सबसे पहले आपको करना है कि इसी प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग जोन को आप यहाँ पर दिखाएंगे और अलग अलग जोन के फंक्शन क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने। तो एक बार आप लोग देखिए,
चलिए, तो इतनी बातें क्लियर हैं। अब हमने बात कर ली है यहाँ पर तीन जोन की, जिसे हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये सेम हमने ये चीज यहाँ पे बनाई थी, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट कैप आपके पास आ गई है, ठीक है। लेकिन आपका बहुत छोटे छोटे आपको यहाँ पे क्या दिखाए गए हैं, सेल्स दिखाई गई हैं, जिसे आपने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटीज। रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवीजन कंटिन्यूअसली हो रहा है। सेकेंड हमारे पास आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। और सबसे टॉप में आप देख रहे हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है। तो आपको अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा रीजन कौन सा होगा, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन सबसे बड़ा होगा। रीजन ऑफ इलोंगेशन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर हम कहें कि यहाँ पर डिवाइडिंग एक्टिविटी कहाँ पर चल रही है, डिविजन कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा मेरिस्टमैटिक रीजन में हो रहा है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन आपके रूट हेयर आ जाते हैं और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, टिश्यू आ जाते हैं। पढ़ लेते हैं इन चीजों को। इसके अलावा जो रूट कैप होती है, एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, जो रूट कैप आपकी होती है वो जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनमें नहीं होती है। इसी के साथ सेकेंडरी जो रूट होते हैं उसमें भी नहीं पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रूट कैप किसमें नहीं पाया जाता है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप लोग साथ साथ में नोट करते रहेंगे। आपने कहा द अपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। आपने कहा कि जो यहाँ पर रूट की जो टिप होती है वो एक चीज से कवर होती है, जिसे आप रूट कैप के नाम से जानते हैं। क्या कार्य होगा इसका, इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट व्हाइल मेकिंग वे थ्रू सॉइल। आपने कहा जब ग्रोथ हो रही होगी और जब रूट नीचे की ओर बढ़ रही होगी, तो कोई पत्थर या किसी सॉइल पार्टिकल से वो डैमेज ना हो जाए, रूट कैप उस चीज से उसे क्या करेगा, सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा। अबव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी हैविंग अ स्मॉल सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म। आपने कहा रूट कैप के ऊपर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम मेरिस्टमैटिक सेल्स कहते हैं या फिर रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी कहते हैं। इनमें क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, क्योंकि इन्हें क्या करना है, डिविजन यहाँ पर करना है, ठीक है। द पार्ट अबव द रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी इज रीजन ऑफ इलोंगेशन वेयर सेल्स अंडरगो इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। आपने कहा अब यहाँ पर रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक जोन के ऊपर क्या आता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, ये इलोंगेशन और एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गई है, ग्रोथ यहाँ पर आ गई है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट में आपके पास आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, इट कंटेन रूट हेयर्स दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आपने कहा अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, रूट कैप कहाँ पर नहीं पाए जाते, रूट कैप का फंक्शन क्या है, ग्रोथ के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, रूट है किस रीजन में पाए जाते हैं, सबसे बड़ा जो रीजन है, लार्ज जो रीजन है सबसे बड़ा, वो कौन सा यहाँ पर पाए जाते हैं, क्लियर है। या फिर रूट को आपने कितने रीजन में डिवाइड किया है, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास कम ही आते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो रीजन के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ रूट हमारे पास आते हैं। टाइप्स ऑफ रूट में आपने कहा कि रूट के फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग रूट्स आएंगी, जिसे हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। जैसे कि कुछ रूट्स जो होती हैं, नॉर्मली रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन कुछ रूट क्या होते हैं, स्टोरेज के रूप में काम करते हैं। कुछ रूट होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो अलग अलग प्रकार के रूट्स आपके पास आते हैं, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक से जो टाइप्स होते हैं आपके पास, टैप रूट आती है, फाइब्रस रूट आती है, इसके बारे में एक बार आप लोग देख लेंगे फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।